नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थ्योरेटिकल सम्राट यूट्यूब चैनल में। सम्राट विश्वास आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे आप वीडियो में ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट यूज कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही आसानी से ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट यूज कर पाओगे। सिंपली मैं जो यूज कर रहा हूँ फ्रेंड है फिल्मोरा वीडियो एडिटर है। तो फिल्मोरा वीडियो एडिटर में कैसे आप ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट यूज कर सकते हो आपको बताऊंगा। लेकिन उसका पहले अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, कभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। सिंपली आपको ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट डालने के लिए पहले तो आपको ग्रीन स्क्रीन एक वीडियो बनाना पड़ेगा। कोई भी वीडियो में आप आसानी से लगा पाओगे, मतलब कुछ भी वीडियो आप अगर बना रहे हैं तो आप पीछे में जैसे देख सकते हैं ऐसे ग्रीन स्क्रीन, सिर्फ ग्रीन स्क्रीन नहीं कोई भी स्क्रीन दे सकते हैं। प्योर एक ही कलर का होना, अगर रेड होगा तो भी चलेगा, ब्लैक होगा तो भी चलेगा, फिर ग्रीन होगा, व्हाइट होगा, जो भी कलर एक ही कलर होना चाहिए तो जो इफेक्ट है अच्छा करके बैठा पाओगे। अगर दो तीन कलर होगा तो आप नहीं बैठा पाओगे, इसलिए एक ही कलर होना तो आप आसानी से बैठा पाओगे। तो आप देख सकते हैं मैं जैसे एक वीडियो बना लिया जिसमें मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन इफेक्ट बैठाऊंगा। तो ये वीडियो में ले लिया, अभी इसका पीछे कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी, कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो, फिर कोई भी रूम का फोटो, कोई भी आपको पीछे बैठा सकते हैं। मतलब आपका जो सामने वाला है वो आपका रह जाएगा, पीछे में जो एक ही कलर दिख रहा है वो निकल जाएगा। तो कैसे, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देते, मान लो मैं इधर में एक रूम का फोटो बैठाना चाहता हूँ, जो अच्छा खासा रूम होगा, रूम में बैठ के मैं वीडियो कर रहा हूँ, ऐसा कुछ दिखाने के लिए मैं इसका रूम का फोटो ले लेते, ये फोटो में चूज कर लेते। तो फ्रेंड देखा, ये फोटो में इधर में नीचे आके लगा दूंगा। पहले तो आपका वीडियो सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड ये वाला फोटो आपको लगाना पड़ेगा कहाँ पे, आपको नीचे में ये बैठाना जो फोटो आप लगाना चाहते हैं, और ऊपर में आपको वीडियो डाल देना। फिर आपको करना क्या है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके शॉर्टकट में भी जा सकते हैं, अन्य तो इधर में डन बटन क्लिक करके फिर ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इधर में चला जाना। जाने के बाद फ्रेंड आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली मेरा जो पीछे वाला पर्दा है वो हट गया है और रूम का जो फोटो है फ्रेंड वो आ गया। तो इसका कम ज़्यादा भी कर सकते, थोड़ा सा अगर ज़्यादा करना चाहते वो भी कर सकते, लेकिन ज़्यादा यह करोगे, ज़्यादा लेना कोशिश करोगे तो आपका जो सामने वाला वीडियो है वो ज़रा बड़ा बड़ा नहीं दिखेगा। तो देख सकते फ्रेंड, मैं चला के भी देखा था, तो इधर में आप कम ज़्यादा करके देखते हैं। आप देख सकते फ्रेंड मेरे पीछे वाला जो वीडियो है वो पूरा के पूरा गायब हो चुका है, ग्रीन स्क्रीन गायब हो चुका है, फिर से रूम आ गया। फिर मैं दूसरा फोटो भी यहाँ पे बैठा के बताते आपको। मान लो आपको ये फोटो बैठाना नहीं है, दूसरा कोई भी फोटो बैठाना है तो कैसे बैठाते वो भी आपको बता देते हैं। ये फोटो मैं डिलीट कर लेते पहले, दूसरा कोई भी फोटो आपको इधर से दे देते। मान लो ये फोटो मेरे को नीचे पीछे में बैठाना है तो कैसे बैठाते, एक ही सिस्टम है, वीडियो में ऊपर में रखना और नीचे में आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो देख सकते फ्रेंड उसको ऊपर में बैठा दिया और अभी चलने लग जाएगा पीछे, मतलब आप कुछ भी यहाँ से ले सकते हैं, पीछे में ग्रीन स्क्रीन लगा के कुछ भी इधर से डिलीट कर सकते हैं, आपका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और मैं और एक इफेक्ट भी डाल सकते, सिर्फ एक इफेक्ट नहीं, बहुत सारा इफेक्ट एक साथ में डाल सकते। जैसे मैं दूसरा एक इफेक्ट भी आपको बता देते पीछे में जो आपको ज़रा आसान होगा। इधर में मैं और एक ग्रीन स्क्रीन ले लेते जैसे कि ये, इसको भी ग्रीन स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर लेना। आप देख सकते ये भी आ गया, तो ये जो या है फ्रेंड ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट जो है आपको नेट में मिल जाएगा, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और आपका खुद का आप खुद का घर पे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे चला के भी देखा था आपको, फ्रेंड देख सकते हो शेयर भी आ गया इधर। आप आसानी से ऐसे जैसे भी करना चाहते हैं ऐसे भी आप पीछे में कोई भी एक पर्दा लगा के, एक ही कलर का पर्दा होना तो आप बहुत ही आसानी से ये लगा पाओगे, इतना ही आसान है फ्रेंड। और इसके बाद में आपको एक्सपोर्ट करने का टाइम, जैसे एक्सपोर्ट करते ऐसे जगह आप एक्सपोर्ट कर देना तो ऑटोमेटिकली आपको वीडियो जो है फ्रेंड एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा और आपको वीडियो क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड ऐसे ही कोशिश करना, फिर भी कोई भी दिक्कत हो रहा है तो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और उम्मीद तक तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है, और हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।